चलिए, नाउन की सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। आई न्यू द टाउन हॉल सो आई एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो। आई न्यू द टाउन हॉल, मुझे टाउन हॉल पता था, मुझे पता था टाउन हॉल, सो आई एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो, इसलिए मैंने उसको एडवाइस किया कि कहाँ जाना है। आई न्यू द टाउन हॉल, मुझे टाउन हॉल पता था, कोई एरर नहीं है। सो आई एडवाइज्ड हिम, देखो जो एडवाइस होता है ना, एक तो होता है एडवाइस जिसके लास्ट में एस ई आता है, और दूसरा होता है एडवाइस जिसके लास्ट में सी ई आता है। तो जब सी ई आता है ना, तो उसको एडवाइस पढ़ते हैं और वो नाउन होता है। वो तो क्या होता है? नाउन। और एडवाइज में एस टी आता है जो कि एक वर्ब होता है। तो यहाँ पर आई एडवाइज ये सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब आनी चाहिए, ठीक है ना, वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब में ई डी लग सकता है, नाउन में तो सेकेंड फॉर्म हो नहीं सकता, नाउन का सेकेंड फॉर्म कहाँ होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एडवाइज की जगह पर एडवाइज शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ लाइफ। ही शुड अंडरस्टैंड, उसको समझना चाहिए कि जो एथिक्स होता है मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ, गुड लाइफ का बेसिस होता है, अच्छे जीवन का आधार होता है। He should understand that, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये एथिक्स है, एथिक्स कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एस तो लगा होता है बट दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। तो अगर सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखेंगे? फिर हमको यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो हमको मेक की जगह पर मेक्स करना होगा। क्या हो जाएगा? ही शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक्स द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट कमिटी वॉज डिवाइड इन देयर ओपिनियन। जो मैनेजमेंट कमेटी थी वो डिवाइड हो गई, इन देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गई। वैसे तो जो कमेटी है वो क्या है, कमेटी जब एक होती है उसका ओपिनियन एक होता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। अगर कमेटी जिसकी राय एक हो वो एक मत हो तो फिर हम कहेंगे कि कमेटी सिंगुलर है, लेकिन अगर उसका मत, उसका ओपिनियन, उसकी राय अलग अलग हो जाती है, कई मतों में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर वो प्लूरल हो जाता है। यहाँ पर द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड की जगह पर वर डिवाइडेड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थाउजेंड ऑफ पीपल सपोर्टेड आप सो अरविंद केजरीवाल बिकेम द सीएम ऑफ दिल्ली। हजारों लोगों ने आपको सपोर्ट किया, इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। थाउजेंड, मिलियन, स्कोर, ग्रॉस, और इसके बाद में अगर ऑफ आता है ना, कोई भी नंबर, थाउजेंड हो, हंड्रेड हो, मिलियन हो, बिलियन हो, और उसके बाद में ऑफ होता है, तो फिर ये थाउजेंड ना होके थाउजेंड्स होना चाहिए। अगर इसके पहले कोई नंबर दे दिया जाता है तब तो ठीक था, लेकिन नंबर नहीं दिया गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल सपोर्टेड ऑफ इनडेफिनिट नंबर। यस, इनडेफिनिट नंबर है, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, डेफिनिट नहीं है, तो फिर इसलिए यहाँ पर थाउजेंड का थाउजेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज,
मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप। जो हिटलर की कंसंट्रेशन कैंप थी, एकाग्रता शिविर थी, उसमें मिलियंस ज्यू ने, मिलियंस यहूदियों ने अपने बच्चों को, किथ एंड किन्स को, अपने फैमिली को खो दिया। हाँ पर रहा भाई, मिलियंस ऑफ ज्यूज बिल्कुल करेक्ट है, लॉस्ट देयर किथ एंड किन्स भी ठीक है, किथ एंड किन्स ठीक है। इन हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप, हिटलर का था, हिटलर का की एकाग्रता शिविर थी। अपोस्ट्रॉफी का यूज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माय फादर गेव मी अ न्यू बाइनोकुलर्स ऑन माय बर्थडे। मेरी बर्थडे पर मेरे फादर ने एक नया बाइनोकुलर दिया। बाइनोकुलर क्या होता है? दूरबीन। दूरबीन हमेशा प्लूरल में आता है, बाइनोकुलर्स राइट है, लेकिन एक दिया तो फिर अ की जगह पर न्यू पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स का दीजिए, पेयर ऑफ, तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27th, माई फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट विदाउट देयर प्रेजेंट कॉन्सेंट। मेरे फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड टू गो, अलाउड नहीं है, विदाउट देयर प्रेजेंट कॉन्सेंट, बिना विदाउट देयर प्रेजेंट कॉन्सेंट। देयर पेरेंट्स कॉन्सेंट, या सॉरी आपके पेरेंट्स सही है। मेरे फ्रेंड्स अलाउड नहीं है जो बाहर जाने के लिए बिना पेरेंट की अनुमति के। तो अपोस्ट्रॉफी यहाँ पर लग रहा है कि अपोस्ट्रॉफी यूज होना चाहिए, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज होना, पेरेंट की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर पे, द टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक। सार्कास्टिक, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, तुम्हारे बोलने की जो टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, जैसे कि तुम्हारे दोस्तों की है, अपोस्ट्रॉफी की ही इसमें प्रॉब्लम है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, अपोस्ट्रॉफी सिर्फ लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है, जैसे कि तुम्हारे दोस्तों की है, वो बिल्कुल ही सार्कास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। यद्यपि कि उसने इंग्लिश तो पढ़ा है लगभग पूरे साल, फिर भी उसको जरूरत है सीखने की। क्या सीखने की जरूरत है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, जब अल्फाबेट होता है ना, तो फिर वो अल्फाबेट वर्णमाला कहलाती है, और जब अल्फाबेट में एस लग जाता है तो फिर उसका मीनिंग हो जाता है भाषाएं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि भाषाओं की बात हो रही है, लैंग्वेजेस की बात हो रही है, कई सारे लैंग्वेजेस की बात हो रही है, या फिर वर्णमाला की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। Although she has studied English almost here, she is yet to learn the alphabet. वर्णमाला की ही बात हो रही है, तो फिर एस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता। स्नेहा ने पेज के बाद पेज गीता के पढ़ा है। कहाँ पर रह रहा है भाई? स्नेहा हैज रेड, स्नेहा ने पढ़ा है, पेज आफ्टर पेज, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जब ऐसा फॉर्मेशन आए, नाउन हो फिर प्लस प्रेपोजिशन हो फिर रिपीटेड नाउन हो, तो फिर दोनों जो नाउन है वो सिंगुलर ही आएंगे। तो क्या हो जाएगा? स्नेहा हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता। एक पेज के बाद दूसरा पेज पढ़ेंगे कि कई पेज के बाद दूसरे, एक एक पेज कर, एक एक करके पेज पढ़ते ना, तो पेज आफ्टर पेज। अंश वॉज गिवेन टू द बेगर,
अल्म्स दिया गया, भीख दी गई, किसको दी गई, भिखारी को। अल्म्स हमेशा प्लूरल में आता है इसलिए वर का यूज कीजिए। अल्म्स वर गिवेन टू द बेगर। व्हेन ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। जब वो मुंबई जाता है ना तो वो कहाँ रुकता है, 5 स्टार होटल्स में। 5 स्टार होटल्स में रुकता है कि 5 स्टार्स होटल में। जो नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा भाई, नाउन के पहले वाला जो एडजेक्टिव है वो थोड़ी यूज होगा। जब भी कंपाउंड नाउन आता है, कंपाउंड नाउन में जो हेड वर्ड होता है उसको हम प्लूरल करते हैं। 5 स्टार प्लूरल हेड वर्ड नहीं है यहाँ पर, होटल हेड वर्ड है, तो फिर 5 स्टार होटल्स विल बी करेक्ट। 43, ही हैज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन थ्राइस 3 टाइम्स अ डे। उसको एडवाइस किया गया 2 चम्मच दवा दिन में 3 बार लेने के लिए। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल। 2 चम्मच है, 2 है तो प्लूरल हो जाएगा स्पूनफुल का। स्पूनफुल का प्लूरल स्पूनफुल्स हो जाएगा, और कहीं कहीं पर तो स्पूनफुल भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरर है। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन थ्राइस 3 टाइम्स अ डे। 44th नंबर, द पुलिस हैव रिसीव्ड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस होता ही नहीं है, पीछे भी आ गया है, पीछे भी था ऐसा क्वेश्चन, दैट कैन हेल्प देम टू सॉल्व द मर्डर केस। इनवी स्ट्राइक्स वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। इनवी किसको बोलते हैं, जलन को बोलते हैं। इनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन, स्ट्राइक करता है जलन एक वुमेन को जब वो देखती है अपने हस्बैंड को किसी अनदर वुमेन, किसी दूसरे वुमेन के साथ, ठीक है ना। तो जलन क्या होती है, जलन होती है कि जब कोई चीज आपके पास हो और वैसी ही सेम चीज किसी दूसरे के पास हो, तो फिर दूसरे के पास ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, जलन रखते हैं। और एनवी क्या होता है, एनवी होता है जलन ना। तो यहाँ पर एनवी की जगह पर क्या हो जाएगा, जेलसी। जेलसी स्ट्राइक करती है, ईर्ष्या स्ट्राइक करती है, ईर्ष्या। टिप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एंड सो दे आर रेयर फॉर वूल एंड मीट। टिप्स नहीं होता कभी भी, शीप ही होता है। तो शीप आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एंड सो दे आर रेयर फॉर वूल एंड मीट। नेक्स्ट इज, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। एविडेंसेस नहीं होता, ऑल द एविडेंस शुड बी करेक्ट। 48, स्टैटिक्स शोज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन। स्टैटिक्स, स्टैटिक सोर्स, स्टैटिक्स जो है वो शो करता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन। स्टैटिक्स जो है, देखो पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, तो ये तो सिंगुलर में आते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल में आता है, यहाँ पर शोज की जगह पर शो हो जाएगा। The 20 days tour in the southernmost part of the country were very interesting. 20 days tour, 20 दिनों का टूर, 20 दिनों का टूर, इसमें भी अपोस्ट्रॉफी आनी चाहिए। 20 days tour, 20 दिनों का प्लूरल है इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दो। The 20 days और अपोस्ट्रॉफी लगेगा, the 20 days tour। 50 नंबर पे, देयर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। 2 स्कोर्स, स्कोर्स किसकी संख्या होती है, नंबर ऑफ 20। 2 स्कोर का मतलब 40 बुक्स है। तो जब जो है नंबर 20
डेफिनेट नंबर हो जाता है ना, डेफिनेट नंबर हो जाता है, टू स्कोर्स ऑफ बुक्स, देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। स्कोर्स नहीं होता, फिफ्थ स्कोर ही होता है, टू स्कोर ऑफ बुक्स क्यों होगा, सिर्फ होता है स्कोर्स ऑफ बुक्स तो फिर ठीक है, लेकिन जब नंबर डेफिनेट हो गया तो फिर स्कोर्स नहीं होगा, तो स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।